हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। उमर अब्दुल्ला साहब, प्रधानमंत्री ने जो 370 पार का नारा दिया है, जाहिर सी बात है आप ही की तरफ देख के दिया होगा, कश्मीर की तरफ? मैं क्या कह सकता हूँ, अब क्या देख के दिया, लेकिन जहाँ तक 370 की बात है उससे ज़्यादा ही क्या देते। 370 पे ही क्यों गाड़ी रोक दी, 400 का ही क्या देते। मतलब इंडिया अलायंस के लिए एक भी सीट छोड़ना क्यों, सारे ही रख लेते। महबूबा मुफ्ती से बात क्यों नहीं बनी, क्योंकि आप यंग हैं, वो भी यंग है, दोनों अपनी पार्टियों का मोर्चा संभाल चुके हैं। कहाँ केमिस्ट्री में गड़बड़ हो गई, मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो गई, कहाँ? केमिस्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं, मैथमेटिक्स में परेशानी ये रही कि 3 सीटें पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, 3 सीटों पर हमें बात करनी थी। जिन 3 सीटों पर हमने कांग्रेस से बात की उन पर महबूबा मुफ्ती का कोई खास असर रसूख है नहीं। हमने उस वक्त भी कांग्रेस से कहा था कि हमें कोई मतलब इस पर आपत्ति नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, अगर के इस इलेक्शन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके लड़े और विधानसभा के चुनाव जो हैं उसमें फिर हम पीडीपी के साथ मिलके इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश जो है उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि पीडीपी को वो बात सूट नहीं कर गई, उन्होंने कश्मीर की 3 सीटों पे अपने ऐलान किए हैं उम्मीदवारों के, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर, इंडिया गठबंधन जो आप लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, और आपको देखा था मैंने बैठकों में, हर जगह आप पहुंचे थे, कोशिश तो पूरी हुई, लेकिन आपको लग रहा है कहीं लड़ती हुई, क्योंकि बीजेपी कहीं लड़ती हुई दिख नहीं रही है, ये पार्टियाँ जो हैं वो पहले ही हार मान चुकी हैं, आपको लग रहा है कि आप लोग टफ कंटेस्ट दे पाएंगे? किसने हार मानी है, कहाँ मुझे बताइए ना, इंडिया अलायंस के किस पार्टी ने कहा है कि हम टक्कर देने के लिए तैयार नहीं हैं या हम इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे? मुझे तो किसी को हार मानते हुए मैंने तो नहीं देखा। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमें तो लग रहा है कि मुकम्मल टक्कर न सिर्फ बीजेपी को जम्मू और उधमपुर की सीटों में, बल्कि जहां पे बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ कश्मीर की 3 सीटों पे भी उनकी नज़र है, उस पर भी हम बीजेपी को शिकस्त दिलाएंगे। वो तो कह रहे हैं 300 पार, तो बीजेपी 370 के पार है, प्रधानमंत्री बनने जाने मोदी जी, ये क्यों मुस्लिम लीग से कहीं उठा रहे हैं कुछ, कहीं ममता बनर्जी उठा रही हैं बांग्लादेश से, वो कह रहे हैं ये कंटेस्ट में ही नहीं है, लड़ क्यों रहे हैं लोग चुनाव? आपको इंडिया शाइन्स याद है? मुझे तो अच्छी तरह से याद है। 2004 एक चीज़ का जो है हमें याद रखना चाहिए, जो वोटर पसंद नहीं करता वो लीडरों के तरफ से पहले ही ऐलान करना कि वोटर क्या करने जा रहा है। वोटर जो है जब तक पोलिंग बूथ में नहीं जाते तब तक ये कहना कि हमें पहले ही से पता है ये क्या करेंगे, ये खतरे से खेलने के बराबर है। मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को या किसी सियासतदान को वोटर्स को फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। ये टक्कर है और इस टक्कर में शायद बीजेपी को जितनी सीटों की उम्मीद है उतनी सीटों पर वो शायद नहीं आए। आखिरी सवाल मेरा कि प्रधानमंत्री जितना कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं कि वो हैं और वो जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके भाषण देखें, आप क्या कहते हैं? मैं बॉडी लैंग्वेज नहीं देखता ना, ये आप लोगों का काम नहीं। आपने कहा अभी कि वो तो डरे हुए लग रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं, तो आपने उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि मैं बॉडी लैंग्वेज तो नहीं देखता प्रधानमंत्री की, लेकिन यूपीए के समय से लेकर के विपक्ष की जो एकता है वो हर जगह दिखाई दे रही है, और जो बीजेपी दावे कर रही है उसमें कोई दम नहीं है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।